आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ रूल्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ठीक है ना। देखो, कुछ हमारा सर्किट होते हैं तो जो जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे एंड कनेक्टेड होंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में, सिंपल में, सिंपल सर्किट नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में वो सब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें, अगर हम ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पढ़े हैं हम, अगर हम वो यूज करें तो हमारा इजी नहीं होगा, समझ ना, वो हमारा आंसर नहीं आ रहा होगा। इधर हमें R इक्विवेलेंट पूछा होगा, या तो आई नेट पूछा होगा सर्किट का, या तो वी नेट पूछा होगा सर्किट का, या तो C इक्विवेलेंट पूछा होगा। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, समझ रहे हो ना, जो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, जो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे होंगे, उस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स रूल का यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये किरचॉफ्स रूल्स क्या है ये हम देखेंगे, बट अभी बात समझ लीजिए पहले कि क्या एक्चुअली ये क्यों यूज करते हैं ना। जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके इजीली नहीं होता हमारे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज ना करके हम कैसे इजीली सॉल्व करें, उसका रिप्लेसमेंट है कॉल किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है। ऐसा सर्किट जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से ना बन रहा होगा, आपको पता चल गया कि ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफिकल्ट होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, किरचॉफ्स रूल्स यूज कीजिए। ऐसा एक भी सर्किट नहीं है जो कि किरचॉफ्स रूल से नहीं बनेगा भाई। इलेक्ट्रिकल सर्किट, सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका किरचॉफ्स रूल से बन जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे मैं क्या बोलो? तो अभी हमें देखना है कि ये किरचॉफ्स रूल्स क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किरचॉफ्स रूल्स क्यों यूज होते हैं, टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, जिसमें ऐसा एक सर्किट जिसमें कुछ रजिस्टर होंगे, सेल होंगे, कैपेसिटर होंगे, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कैपेसिटर, सेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब देखिए, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें जान लेंगे, जैसे कि जंक्शन क्या है, जंक्शन क्या है, लूप क्या है, ये सब जान लेंगे, समझ रहे हो। एक जंक्शन क्या होता है, एक जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर तीन से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड होंगे। बात समझ रहे, तीन से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड होंगे, देखो एक दो तीन। लूप क्या है, लूप क्या है ना, एक ऐसा क्लोज सर्किट क्लोज होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, मतलब आप जहां से शुरू किए आप वहां पे पहुंचना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट और लूप, ठीक है ना, क्लोज सर्किट। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जंक्शन क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीन से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड होंगे, दिस इज ए जंक्शन, ओ इज ए जंक्शन। लूप क्या है ना, मैं अगर ए से शुरू किया, बी तक गया, फिर सी तक गया, फिर डी तक गया, बात समझिए, ए बी इज ए ब्रांच, बी सी इज ए ब्रांच, सी डी इज ए ब्रांच, बात समझ रहे ना, ब्रांच क्या है, ब्रांच क्या है, देखो ब्रांच क्या है ये भी समझ लीजिए, ए बी एक ब्रांच है, बी सी एक ब्रांच है, सी डी एक ब्रांच है, डी ए एक ब्रांच है, समझ रहे हो ना। अब ए बी सी डी ए, देखो मैं ए से शुरू किया, फिर घूम फिर के ए को पहुंच जाऊंगा, कैसे घुमा, क्या किया, वो मैटर नहीं करता, अगर मैं ए से शुरू करके घूम फिर के ए में पहुंच जाता हूं, देन दैट इज ए क्लोज लूप और क्लोज सर्किट, समझ रहे। अब बोलोगे सर आप ए बी सी डी ए गए, ए डी सी बी ए गए, नहीं होगा, बी ए डी सी बी होगा, होगा, अरे भाई मैं बी से शुरू किया तो घूम फिर के बी को आ जाना पड़ेगा, दैट विल बी ए क्लोज सर्किट, खत्म,
अब बोलो सर मैं बी से ए गया फिर ए से बी आ गया, हाँ होगा, आप जहां से शुरू किए वहां पे पहुंच जाइए, सही है, समझ रहे। तो ओ बोल रहा है कि लूप क्या है, जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है, समझ गए, ठीक है ना। अब बात देखिए, जो किरचॉफ्स का जो रूल है वो दो रूल है, किरचॉफ्स जो रूल है दो रूल है किरचॉफ्स का, क्या क्या, एक करंट लॉ है एक वोल्टेज लॉ है, बात समझिए, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दो दो लॉ है, ठीक है। हम देखेंगे एक एक देखेंगे, तो अभी हम देखेंगे, हमें पता चल गया किरचॉफ्स लॉ क्यों यूज होता है, हाँ कि ना, क्यों यूज होता है, फिर किरचॉफ्स का कितना लॉ है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। जंक्शन क्या है पता चला, ब्रांच क्या है पता चला, लूप और क्लोज सर्किट क्या है वो भी पता चला, ठीक है। अब हम देखेंगे KCL, ठीक है ना, किरचॉफ्स फास्ट लॉ, किरचॉफ्स फास्ट लॉ और KCL और किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसको और क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल, ठीक है ना, और फास्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, और फास्ट लॉ भी बोलते हैं, फास्ट लॉ, देखो क्या है ये फास्ट लॉ, क्या बोल रहा है कि द टोटल करंट, द टोटल करंट एक जंक्शन पे, द टोटल करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बात समझ रहे, द टोटल करंट एट ए जंक्शन, द टोटल करंट करंट एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, नेटवर्क इज इक्वल्स टू जीरो, बात समझिए, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी जंक्शन होंगे उसी और सभी जंक्शन में टोटल करंट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वो जंक्शन को जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट निकल लेगा, ना तो ज्यादा करंट होगा ना तो कम करंट होगा, बात समझिए, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो लेट अभी ये एक जंक्शन है ओ, ठीक है ना, लेट ये जो जंक्शन है यहां पे लेट ऐसे हुआ, ए से ओ करंट आ रहा है आई, तो क्या हो जाएगा, ये जब ये ओ को आएगा आई करंट, ये आई करंट में से कुछ करंट बी के तरफ जाएगा एंड और कुछ करंट सी के तरफ जाएगा, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो टोटल करंट ओ में होगा वो जीरो होना पड़ेगा, मतलब ओ में थोड़ा करंट रुक जाएगा तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा करंट ज्यादा आ जाएगा तो काम नहीं बनेगा, समझ रहे, जितना करंट आया ओ को उतना ही करंट थोड़ा उसमें से ही थोड़ा बी के तरफ जाएगा थोड़ा सी के तरफ जाएगा, इसका मतलब यह है कि, बात समझिए, इसका मतलब यह है कि जितना इनकमिंग करंट टू ओ इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम ओ, इसका मतलब क्या है, द करंट कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, टुवर्ड्स द जंक्शन ओ, द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन ओ इक्वल्स टू द करंट मूविंग, मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन ओ, मतलब यहां पे आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू, इसका मतलब आई, देखो ये आई वन प्लस आई टू है तो आई माइनस आई वन माइनस आई टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों अगर उधर चला जाएगा इधर तो जीरो बचेगा, तो ये क्या हो गया ना, आई द इनकमिंग करंट पॉजिटिव, द आउटगोइंग करंट नेगेटिव, तो माइनस आई वन माइनस आई टू इक्वल टू जीरो, सो देखो जीरो आया ना, तो टोटल करंट एट जंक्शन वो कितना आ गया, द टोटल करंट एट जंक्शन कितना आ गया, जीरो, जितना करंट आया उतना करंट ही गया, समझ रहे हो, हाँ कि ना, बात क्लियर ना भाई, जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकल लेगा, कुछ ज्यादा करंट वहां से नहीं आएगा कि वहां पे कुछ ज्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा कि वहां पे कुछ करंट रुक नहीं जाएगा, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा,
कुछ ज्यादा नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ये जो लॉ है ये लॉ बेस करता है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बेस करके। तो दिस लॉ बेस्ड अपन दिस लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिए भाई, तो यहां ये बोल रहा है आपको कि जो टोटल करंट एक जंक्शन में हमेशा जीरो होगा रे, हमेशा जीरो होगा, मतलब जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट निकल लेगा रे, ठीक है ना। अभी देखो रे, एक बात सिंपल सा बात देखिए, अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं, जब आप यहां पे आए, लेट आप जब ए से ओ आए, यहां पे आपको तीन तीन रास्ता मिला, आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं रे कि मैं किधर जाऊं। अब आप एक नया जगह पे गए हैं रे, ठीक है ना, आप एक रास्ते में जा रहे थे, एक ही रास्ता, तो आप बिंदास जा रहे थे, क्या टेंशन है भाई, ठीक है ना, एक ही रास्ता था। जब ये ओ पॉइंट पे आ गए, ठीक है ना, ओ पॉइंट पे आ गए, देखे कि तीन तीन रास्ता है, आप तो एक ही बंदे हो ना, आप क्या, आप बोलो मेरा हाथ इधर चला जाएगा, मेरा सर इधर चला जाएगा, मेरा पैर इधर चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना, आपको इधर ये तीनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। बट करंट तो भाई क्या है, करंट स्प्लिट हो सकता है, हम स्प्लिट नहीं हो सकते, करंट स्प्लिट हो सकता है, बात समझ रहे। तो अगर ये आई करंट आया ओ तक, ओ से बी थोड़ा करंट जाएगा, ओ से सी थोड़ा करंट जाएगा, ओ से डी थोड़ा करंट जाएगा। आई करंट इज स्प्लिटेबल, करंट कैन बी स्प्लिट, मतलब कहां पे स्प्लिट होगा, एक जंक्शन पे। तो यहां पे आई वन जाएगा, तो यहां पे आई टू जाएगा, तो यहां पे आई थ्री जाएगा। बट ये बात आप याद रखिए कि जितना करंट आया उसमें से ही थोड़ा जाएगा बी के तरफ, आई से ही थोड़ा जाएगा बी के तरफ, आई से ही थोड़ा जाएगा सी के तरफ, आई से ही थोड़ा जाएगा डी के तरफ। मतलब मैं अगर 1000 रुपये लेके गया ओ में, तो मैंने क्या किया, बी को 500 दिया, तो सी को दूंगा 200, तो डी को दूंगा 300। मैं जितना लेके गया हूं उतना ही ये तीनों में बटेगा, बात समझ रहे, उतना ही ये तीनों में बटेगा, उससे ज्यादा। मेरे पास अगर मैं 1000 रुपये लेके गया हूं, 1000 से मैं जब ये तीनों को दूंगा 1000 रुपया ही दूंगा, 1000 से कम नहीं दूंगा, 1000 से ज्यादा नहीं दे सकता, बात समझ रहे, दिस इज अ सिंपल थिंग। तो आई क्या हो जाएगा, एट ओ आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। क्लियर रे भाई, ना कुछ इधर उधर का सोच रहे, ना कंफ्यूज हो रहे, नहीं ना, क्लियर, ठीक है ना। तो ये बात मेरे को याद रखने है, ठीक है। तो अब देखो, इसको लेके न्यूमेरिकल्स आता है भाई, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप जितना भी किरचॉफ्स रूल का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पहले यूज करेंगे, पहले देखेंगे कि कहां पे जंक्शन है, वहां पे अच्छे से करंट डिवाइड कीजिए। एंड करंट कैसे डिवाइड करेंगे ना, बाय फॉलोइंग द रूल्स। क्या फॉलो करेंगे, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। भाई जो रूल्स है उसको तो फॉलो करेंगे ना, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो होगा, बात समझिए। अगर मैं बात करूंगा देखिए बात, कि करंट यहां से ए से ओ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए हायर पोटेंशियल होगा। लेट ये भी ए है, लेट ये भी ओ है, ध्यान से देखिए, लेट ये भी ए है, लेट ये भी ओ है, ठीक है। लेट क्या हुआ, फिर आया ये करंट थोड़ा बी के तरफ, लेट ये आया सी के तरफ थोड़ा सा करंट, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ये सी ये बी, तो ये पॉइंट में पोटेंशियल होगा वी बी, ये पॉइंट में पोटेंशियल होगा वी सी। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट किए थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या होगा ना, मैं अगर निकालूंगा ए एंड ओ में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ कितना होगा, वी ए माइनस वी ओ, समझ रहे हैं बात। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ बी कितना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड बी कितना होगा ना, वी ओ माइनस वी बी, भाई समझ रहे हो रे,
हाँ जी ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड सी कितना होगा ना, वी ओ माइनस वी सी, ये सब याद रखेंगे। अब करंट आप बोलोगे सर करंट ए से ओ क्यों जाएगा, बताओ ए से यू क्यों जाएगा, यहां पे करंट क्यों जाएगा ना, क्यों जाएगा रे भाई, क्योंकि यहां पे वी ए इज ग्रेटर देन वी ओ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। अगर करंट ए से ओ जा रहा है देन अल्टीमेटली ए का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, कहां से, ओ से, समझ रहे हैं? ये रूल्स को देखना, छोटी छोटी चीजों को परखना है आपको। अब अगर लेट ओ से बी जा रहा है, ओ से बी जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा ना, वी ओ इज ग्रेटर देन वी बी होगा। ओ से सी जा रहा है, इसका मतलब वी ओ इज ग्रेटर देन वी सी होगा। ये सभी को लेके न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका, हम करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में, समझ रहे ना। पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ओ बोल के पूछ लेगा, ठीक है। अगर ए बी सी का पोटेंशियल दिया है, ओ का क्या पोटेंशियल होगा, आई क्या होगा, आई वन क्या होगा, आई टू क्या होगा, ये सभी चीजें पूछ लेगा, समझ रहे, ठीक है। ये सभी चीजें हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे केवीएल। तो ये केसीएल याद रह गया, किरचॉफ्स करंट लॉ याद रह गया। क्या बोल रहे हैं आपको किरचॉफ्स करंट लॉ, कि द टोटल करंट एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहां पे याद रखेंगे द इनकमिंग करेंट टू द इनकमिंग करेंट दैट इज द करेंट विच इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, हाँ कि ना, ये लिख लेंगे आप, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, करंट का साइन कन्वेंशन लिख लेंगे, ठीक है ना। यहां पे देखो द करेंट विच इज कमिंग फ्रॉम ए से ओ दैट इज टूवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव लिया गया, अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव लिया गया, देखिए, ठीक है ना, ये लिख लेंगे। जब साइन कन्वेंशन ऑफ करंट लिख लेंगे, मतलब क्या साइन लेते हैं करंट को, द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव, द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव, ठीक है ना। देन हम देखेंगे केवीएल, ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ, देखिए केवीएल, और इसको बोलते हैं लूप रूल, ठीक है, लूप रूल और सेकेंड लॉ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक लूप में, देखो वहां पे क्या बोला था, एक जंक्शन में टोटल करंट जीरो, यहां पे बोल रहा है एक क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल पोटेंशियल जीरो। बात समझिए, ये क्या बोल रहा है, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझिए, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू जीरो। ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ये वही बोल रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, जैसे करंट जीरो लाए वैसे ही लाएंगे, देखिए बात समझिएगा, ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये बेस करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये किसको बेस करता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट आएगा वो इक्वल टू जीरो होगा। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आप क्लोज सर्किट लेते हैं, देखो जैसे कि मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूं, सर्किट में लेट कुछ रेजिस्टर लिया मैंने, कुछ सेल्स लिया, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, कुछ सेल्स लिया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो लेट ये ए बी सी डी, लेट ये मेरा आर वन आर टू
आर थ्री, लेट ये आर टू, ये आर वन, ये ई वन, ये ई टू। ध्यान से देखिए, लेट मेरे को ऐसे एक सर्किट दिया है, यहां पे क्लोज लूप क्या है, क्लोज लूप क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, क्लोज लूप क्या है, ए बी सी डी ए हो सकता है, ए डी सी बी ए हो सकता है, बी सी डी ए बी हो सकता है, कोई भी एक क्लोज लूप लीजिए, ठीक है। मैंने लिया ए बी सी डी ए, मतलब मैं ए बी सी डी ए लिया। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिया, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं इसको क्लोज, देखो मैं क्लोज लूप ले रहा हूं, तो मैं कैसे जा रहा हूं, मैं पहले ए से बी गया, मैं जा रहा हूं, मेरे लिए क्लोज लूप ये है, मैं ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ए गया, ये मेरे लिए, मेरा मूवमेंट पे डिपेंड करता है, मैं कौन सा क्लोज लूप ले रहा हूं मेरा मूवमेंट पे डिपेंड करता है, बात समझिए। मैं गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर मैं ए डी सी बी ए जाऊंगा, क्लोज लूप है, समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चेंजेस होंगे, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा भाई, समझ रहे हो ना, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि एक क्लोज सर्किट में द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू जीरो होगा। अब ये बताइए बात, एक सर्किट में पोटेंशियल किसके वजह से आता है, एक सर्किट में पोटेंशियल किसके वजह से आता है, एक सर्किट में पोटेंशियल दो चीजों के वजह से आता है, एक सर्किट में पोटेंशियल दो चीजों के वजह से आता है, क्या 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 है वो दो चीज, एक सर्किट में पोटेंशियल दो चीजों के वजह से आता है, ध्यान से सुनो, एक है रेजिस्टर और एक है सेल, समझ रहे, सेल। अगर यहां पे कैपेसिटर होता, रेजिस्टर के बदले कैपेसिटर होता, तो आप क्या बोलते ना, कैपेसिटर के वजह से आता, सेल के वजह से आता, हम कैपेसिटर वाला अलग से करेंगे, ठीक है ना, कैपेसिटर वाला अलग से करेंगे, किरचॉफ्स लॉ अलग से वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखो तो मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में दो चीजों के वजह से आ रहा है, एक रजिस्टर के वजह से, एक सेल के वजह से, समझ रहे, एक रजिस्टर के वजह से, एक सेल के वजह से। सो द पोटेंशियल जो रजिस्टर का होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर क्या होता है रे भाई, रजिस्टर क्या होता है, आई आर, है कि ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल क्या होता है, सेल, सेल ईएमएफ, है कि ना, इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल। एक रजिस्टर के वजह से आईआर होता है, एक सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो ऐसे आपको सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करने हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब समझ रहे ना, जो टोटल सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना है, जितना वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, जितना वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे वो सेल का हो, चाहे वो रजिस्टर का हो, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हो, किसी का भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको बस टोटल लेने हैं, टोटल लेने हैं, ठीक है, टोटल लेके क्या करने, जीरो करने, बट आप ऐसे टोटल मतलब सबको ऐड कर देंगे, ब्लाइंडली होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबको लिए एंड ब्लाइंडली ऐड कर दिए, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। आपको सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन कभी कभी नहीं दिया होगा, तो आप अपना मर्जी से लीजिए, बात समझिए, आप अपना मर्जी से करंट का डायरेक्शन लीजिए। देखो मेरे को यहां पे करंट का डायरेक्शन नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, करंट ऐसे लिया, लेट मैंने लिया ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे करंट लिया। अब देखो ये एक ही लाइन है ना, यहां पे तो जंक्शन है ही नहीं, जंक्शन तो है ही नहीं, तो ये एक ही लाइन है, तो इसमें अगर आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, यहां पे जब आएगा इसमें एक ही तो रास्ता है भाई, आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा,
एक ही तो रास्ता है, रास्ता अलग होने से ना करंट चेंज होगा, रास्ता तो एक ही है ना, नहीं समझ रहे, रास्ता तो एक ही है तो करंट भी उतना ही जाएगा हमेशा हर जगह हर तरफ उतना ही होगा, समझ रहे ना भाई। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि आप जो टोटल पोटेंशियल लेंगे किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे उसको याद रख लेंगे, ठीक है ना, किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन टू कंसीडर द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ईएमएफ को आप प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, देखो ध्यान से देखना। मेरे पास जो ये सर्किट था कुछ ऐसा था, ए बी सी डी ए था, R1 R2 R3, मैंने इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने रीड्रॉ कर लिया इसको, ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा R2 था, ये मेरा R1 था, ये मेरा R3 था, ये मेरा R2 था, सॉरी R1 था, ठीक है, ये मेरा R1 था, ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 था, ये मेरा R2 था, देखिए कुछ करंट ऐसे जा रहा था। जब आप EMF लेंगे, ध्यान से सुनिए, जब आप EMF लेंगे करंट किधर जा रहा है आपसे मतलब नहीं है, कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप ईएमएफ को कंसीडर करने वाले हैं करंट किधर जा रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब क्या है समझिए, अगर लेट मैं ऐसे भी जा रहा हूं, लेट अभी मैं ऐसे भी जा रहा हूं, मैं अभी लूप बनाऊंगा, लूप मतलब क्या है, लेट ए बी सी डी ए बनाया, मैं ऐसे भी जाऊंगा। जब मैं ऐसे भी जा रहा हूं, देखो मेरा मेरे मेरे सामने कौन आ रहा है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे भी जा रहा हूं मैं सेल का E1 सेल का प्लस से माइनस जा रहा हूं, है कि ना, मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, अगर मैं ऐसे भी जा रहा हूं मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, अगर मैं बी से आऊंगा माइनस से प्लस आऊंगा। तो इफ आई मूव फ्रॉम ए टू बी, देखो बात समझो, इफ आई मूव फ्रॉम ए टू बी देन आई हैव टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E1 टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तो मैं ये E1 को क्या लूंगा, दैट इंप्लाय E1 विल बी नेगेटिव, कुछ समझ रहे। बट अगर मैं B2A मूव करता तो क्या होता, बट इफ आई मूव फ्रॉम B2A देन आई हैव टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, है कि ना, समझ लो ना, दैट इंप्लाई E1 क्या लेंगे, पॉजिटिव। द अप्रोचिंग टर्मिनल का जो, देखो अगर मैं प्लस से माइनस जाऊंगा, मैं A2B जा रहा हूं तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं इसलिए इसको माइनस लूंगा, अगर मैं B2A जाऊंगा मैं माइनस से प्लस जाऊंगा तो मैं इस E1 को क्या लूंगा, प्लस लूंगा, तो समझ रहे। इसका मतलब यह है, कैसे याद रखेंगे ना, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस ही लेंगे, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा प्लस ई लूंगा, कुछ समझ आ रहा है रे भाई मेरा बात, हाँ कि ना। ईएमएफ को कैसे कंसीडर करेंगे मैं वो बता रहा हूं, और कुछ नहीं, ईएमएफ को कैसे कंसीडर करेंगे, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, जैसे मैं ए टू बी जा रहा हूं तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, सेल का प्लस से माइनस, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, समझ, तभी ना मैं बी को पहुंचूंगा,
तो मैं ये ई वन को क्या लूंगा, नेगेटिव। ठीक है, समझने कुछ। अगर मैं लेट अभी देखो सी टू डी आऊंगा, सी टू डी इसको क्या लूंगा, देखो सी टू डी जब आऊंगा ये माइनस ये प्लस, तो इसको क्या लूंगा बताइए, प्लस है कि ना। बट जब मैं डी टू सी जाऊंगा इसको क्या लूंगा, माइनस। वो समझ रहे, तो ये मेरे को याद रखने है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे नोट करके ना, ईएमएफ, जब हम ईएमएफ लेंगे उसके लिए, इफ वी मूव मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है ना, टर्मिनल ऑफ द सेल, देन ईएमएफ इक्वल्स टू, ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। तो समझ रहे, याद रखेंगे ये सिर्फ एंड सिर्फ ईएमएफ के लिए। जब आप ईएमएफ ले रहे हो, देखो करंट का डायरेक्शन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप करंट के बारे में बोल लिखी, आप बोल रहे हो आप किधर जा रहे हो, आप किधर जा रहे हैं, आपका मूवमेंट कैसा है। आप अगर ए से बी जा रहे हो प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस लेंगे। आप अगर बी टू ए आएंगे माइनस से प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे, खत्म आपका मूवमेंट। फिर दूसरा आएगा साइन कन्वेंशन टू कंसीडर, टू कंसीडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन टू कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से, हाँ कि ना, आई आर होता है। मैं वो डायग्राम को फिर से बना लेता हूं, फिर से बना लेता हूं, ठीक है। देखो बना लिया, ध्यान से देखिए। तो मैंने यहां पे ए बी सी डी ले लिया, आर वन आर टू आर वन ई वन आर थ्री आर टू ई टू, करंट कुछ ऐसे लिए थे हम लोग, आई लिए थे, है कि ना, सब में आई था क्योंकि एक ही लाइन है, जंक्शन है ही नहीं, ठीक है ना, जंक्शन है ही नहीं। ध्यान से देखिए, जब आप आईआर का बात करेंगे, जब आप आईआर का बात करेंगे, देखो जब भी आप आईआर को, अभी बात चल रहा है, देखो तब बात चल रहा था ई को पॉजिटिव लेंगे ना नेगेटिव लेंगे, अब बात चल रहा है आईआर को पॉजिटिव लेंगे ना नेगेटिव लेंगे। ये आईआर को पॉजिटिव कब लेंगे, देखो लेट, जैसे कि मैं ए बी सी डी ए जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं ए बी सी डी ए जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, बात समझिए, आप शुरू किए ए को, पहुंचेंगे ए को, तो आप ए से बी गए, फिर बी से सी आए, फिर सी से डी आए, फिर डी से ए आए, आप आगरा से बम्बे गए, बम्बे से चेन्नई गए, चेन्नई से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से आगरा आए। आप आगरा से अगर गए हैं तो आगरा को पहुंचना पड़ेगा, दैट इज द रूल बेसिकली। बट जब आप आगरा से बम्बे गए, वहां पे देखो, आगरा से जब बम्बे गए वहां पे एक रजिस्टर है आर टू और एक रजिस्टर है आर वन। अभी आप रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, अभी आप आप ईएमएफ ले चुके हैं, ईएमएफ कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे आपका खत्म हो चुका है, समझ रहे हो, ईएमएफ को कब प्लस लोगे, ईएमएफ को कब माइनस लोगे आप समझ चुके हो। अभी आप रेजिस्टेंस का बात कर रहे हो, बात समझ रहे हो, तो रेजिस्टेंस को पॉजिटिव कब लेंगे, देखो इफ वी मूव अगेंस्ट द करेंट, इफ वी मूव अगेंस्ट द करेंट, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट, करेंट आई आर विल बी टेकन एज, विल बी टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज इक्वल्स टू प्लस आई आर, एंड इफ वी मूव along the flow of current, along the flow of current, then IR will be taken as, will be taken as negative,
दैट इज इक्वल टू माइनस आई आर। कुछ समझ रहे हैं या ना? कुछ समझ रहे हैं? अगर आप करंट का अगेंस्ट जाएंगे, आप आई आर को लेंगे पॉजिटिव, आप अगर करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप आई आर लेंगे नेगेटिव। ठीक है, देखो समझेंगे इसको। लेट मैं अभी ए टू बी जा रहा हूं, है कि ना? तो ए टू बी में आर टू है, आर वन है। मैं देखो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ए टू बी जा रहा हूं, तो ए टू बी में आर टू है, आर वन है, तो मैं आई आर टू लूंगा, आई आर वन लूंगा, बट मैं इसको प्लस लूंगा, इसको माइनस लूंगा, मैं किसको प्लस लूंगा किसको माइनस लूंगा वो मेरे को बताना है। तो मैं जब ए टू बी जा रहा हूं, करंट कहां से कहां जा रहा है, देखो करंट कहां से कहां जा रहा है, मैं जा रहा हूं ए टू बी, करंट किधर जा रहा है, बी टू ए। मैं जा रहा हूं ए टू बी, करंट जा रहा है बी टू ए, अगेंस्ट ना, अगेंस्ट ना, हाँ कि ना? मैं जा रहा हूं ए टू बी, करंट जा रहा है बी टू ए, अगेंस्ट ना? मैं करंट का अगेंस्ट जा रहा हूं कि नहीं रे? करंट बी टू ए आ रहा है, मैं करंट का अगेंस्ट जा रहा हूं ए टू बी, हाँ कि ना? तो मैं ये आई आर को क्या लूंगा, पॉजिटिव, प्लस प्लस। तो समझ रहे हो? अगर मैं डी टू सी जाऊंगा, अगर मैं डी टू सी जाऊंगा, डी टू सी करंट किधर जा रहा है, डी टू सी, करंट जा रहा है किधर, डी टू सी, मैं जा रहा हूं किधर, डी टू सी, हाँ कि ना? करंट जा रहा है किधर, डी टू सी, मैं जा रहा हूं डी टू सी, तो ये आई इंटू आर टू को क्या लेंगे, नेगेटिव। अलोंग करंट जाने से नेगेटिव आई आर, अगेंस्ट फ्लो ऑफ करंट जाने से पॉजिटिव आई आर। इतना याद रख लो रे, इक्वेशन बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे। देखो अब ये जो दो चीजें आया, हम यहां पे इकट्ठा अप्लाई करते हैं, मिला के अप्लाई करते हैं। तो हम आपको क्या बोले, मैं अभी ए बी सी डी ए का लूप का आंसर लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा, टोटल पोटेंशियल जीरो करना है, कर देंगे। देखो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, ये मेरा माइनस है, ये मेरा प्लस है। मैं ए बी सी डी ए जाऊंगा, ठीक है, ए बी सी डी ए। मैं क्या बोला, जब हम पहले हम सेल का कंसीडर कर लेते हैं। देखो ए बी में एक सेल है, हाँ ना, ए बी में एक सेल है, तो ये सेल का ईएमएफ को आप प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे। ए टू बी जा रहे हैं, प्लस से माइनस, आप प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो माइनस ई वन, जो मैं बोला उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बी टू सी में सेल है ही नहीं, सी टू डी में सेल है ई टू, हाँ ना? तो सी टू डी आप जा रहे हैं, सी टू डी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे, प्लस ई टू। को समझ रहे? फिर आप डी टू ए में कुछ सेल नहीं है, तो मैं ई एम एफ ले चुका हूं, ठीक है ना, ई एम एफ ले चुका हूं। अब आई आर का बारी है, आई आर का बारी है, ठीक है ना। अब बताइए ये आई आर, देखो मैं जब ए टू बी आऊंगा, आई आर टू है, आई आर वन है, आई कैपिटल आर टू है, आई स्मॉल आर वन है। तो देखो मैं ए टू बी जा रहा हूं, करंट आ रहा है बी टू ए, तो अगेंस्ट ना, हाँ कि ना, अगेंस्ट। तो ये आई आर टू को पॉजिटिव लूंगा, आई आर वन को भी पॉजिटिव लूंगा, हाँ कि ना रे? अगेंस्ट करंट जाने से, अगर हम अगेंस्ट करंट जाएंगे आई आर को पॉजिटिव लेंगे, अलोंग करंट जाने से आई आर को नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या लेंगे ना, प्लस आई आर टू प्लस आई आर वन, फिर इसको क्या लेंगे, बी टू सी। मैं पहले ए टू बी आया, ए टू बी आया, फिर बी टू सी गया, फिर बॉम्बे से चेन्नई गया, ठीक है ना। बॉम्बे से चेन्नई का रास्ते में क्या है, आई आर थ्री है, आर थ्री है, बट देखो बॉम्बे से चेन्नई में जा रहा हूं, चेन्नई से बॉम्बे जा रहा है करंट, समझ रहे हो ना? तो करंट का अगेंस्ट में जा रहा हूं, है कि ना, करंट का अगेंस्ट, तो आई आर को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस आई आर थ्री। अब फिर देखो चेन्नई से दिल्ली जाऊंगा मैं, जब चेन्नई से दिल्ली गया, एक सेल था जिसका मैं ले चुका हूं ऑलरेडी पोटेंशियल, और कौन है, एक रजिस्टर है स्मॉल आर टू, हाँ कि ना, चेन्नई से दिल्ली में एक रजिस्टर है स्मॉल आर टू। तो मैं जा रहा हूँ चेन्नई से दिल्ली, मैं सी टू डी जा रहा हूँ चेन्नई से दिल्ली, बट करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, दिल्ली से चेन्नई, अगेंस्ट आ रहा है मेरा। मैं जा रहा हूँ चेन्नई से दिल्ली,
करंट आ रहा है दिल्ली से चेन्नई, तो इसको क्या लेंगे, अगेंस्ट जाने से आई आर पॉजिटिव, अलोंग जाने से आई आर नेगेटिव, ये याद रख लो। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई आर टू। अब फिर डी टू ए में, डी टू ए में क्या हो जाएगा, ए टू बी आ गया, बी टू सी आ गया, सी टू डी आ गया, डी टू ए, डी टू ए में क्या है, आर वन। तो ये आर वन को क्या लेंगे, डी टू ए, मैं जा रहा हूं दिल्ली से आगरा, करंट आ रहा है आगरा से दिल्ली, अगेंस्ट अगेन, तो प्लस आई आर वन इक्वल टू जीरो। ऐसे करने हैं रे भाई आपको, ऐसे करने हैं आपको, ये इक्वेशन लिखना है रे आपको, ये इक्वेशन अगर आप लिख लेंगे देन आपका हर चीज सॉल्व हो जाएगा रे, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल जीरो करने आपको, ऐसे लिखने, साइन कन्वेंशन याद रख के आपको करने, ठीक है। तो मैंने देखो पहले सेल का ले लिया, फिर रजिस्टर का ले लिया, मैं फॉलो किया जो जो मेरे को बोला गया यहाँ पे, मैं फॉलो किया। ईएमएफ को कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, आईआर को कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन मतलब एक इलुस्ट्रेशन करते हैं, उसका इक्वेशन लिखेंगे हम, ठीक है ना, इक्वेशन लिखेंगे। चलिए एक ग्राफ, एक सर्किट बनाएंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। सो लेट, एक सर्किट में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, बहुत सारा मेरा रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। आपको करंट का डायरेक्शन नहीं दिया होगा, आप घबराना मत, आप अपने हिसाब से करंट लेना फॉलोइंग किरचॉफ्स रूल, ठीक है ना। किरचॉफ्स फास्ट लॉ को फॉलो करके आपको करंट लेना है और कुछ नहीं, किरचॉफ्स फास्ट लॉ को फॉलो करके आपको करंट लेना है, ठीक है ना। सो लेट, मैंने ए बी सी डी लिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आर वन आर टू, ठीक है। तो लेट ये मेरा आर थ्री, ये मेरा ई वन, ये मेरा आर वन, ठीक है। ये मेरा ई टू, आर थ्री, ई थ्री, आर फोर, ई फोर, ऐसा है, ठीक है, ऐसा सर्किट है। एंड बोला कि किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करके इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी, इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। सो ये इक्वेशन लिखना हम सीख जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो अच्छे से, आपको बोला गा, बोले करंट तो दिया नहीं है, करंट आप डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, करंट कुछ ऐसे लिया, मैं अपना मर्जी से लिया आई, आप भी अपना मर्जी से लेंगे। अगर मैं ऐसे आई लिया, यहां पे भी आई, यहां पे भी आई, एक ही तो रास्ता है, बट जब यहां पे आएगा, जब यहां पे आएगा एक जंक्शन मिला, तो इधर कुछ जाएगा आई वन, तो इधर जाएगा आई टू, हाँ कि ना रे। तो इधर आया आई टू, इधर भी जाएगा कितना आई टू, इधर भी जाएगा कितना आई टू, फिर इधर आया आई वन, इधर आया आई टू, मिलके आई गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लॉ के हिसाब से आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, ये आपका जरूरी है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से करंट डिवाइड करना। आप अपना मर्जी से करेंगे जे, ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी जंक्शन पे आप करंट रोक नहीं सकते, समझ रहे हो ना। आप बोलोगे सर मैं यहां पे आई लाया, इधर से आई वन लाऊंगा, इधर से आई टू लाऊंगा, नहीं होगा। करंट देखो बात समझो, इधर से आई वन आया, अब बोलोगे सर इधर से आई, इधर से आई आया, इधर से आई वन आएगा, इधर से आई टू आएगा, नहीं होता है। करंट अगर लेट ऐसे होगा, सब करंट आके यहां पे रुक जाएगा, रास्ता नहीं है जाने के लिए, करंट रुकता नहीं है कभी एक जंक्शन पे, करंट जितना आया उतना निकल लेता है, समझ रहे हो ना भाई मेरा बात, ठीक है ना, ये मेरे को याद रखना है। तो करंट जितना आया उतना स्प्लिट होके चला जाएगा, फिर जाके मिलेगा उतना ही आएगा, ठीक है ना। करंट हमेशा कंजर्व होता है क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया, अब मुझे बोल रहा है आप सेकंड लॉ अप्लाई करके इक्वेशन लिखिए। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे लूप को लेके कंसीडर करेंगे, क्या समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे हमेशा छोटा छोटा लूप को कंसीडर करके इक्वेशन लिखना एंड आंसर बनाना, सॉल्व करना, ठीक है। हमेशा छोटे छोटे लूप को लेना, कभी बड़ा लूप को मत लेना, कभी नहीं। मतलब छोटा लूप, यहां पे कितना लूप है, कितना लूप है, ए बी डी ए, ए बी डी ए एक लूप, बी सी डी बी, बी सी डी बी और एक लूप,
भाई आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता यार, छोड़ दो सब, ठीक है ना। जो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है छोड़ दो सब, सिंपल सा मेथड है ये, ठीक है। बी सी डी बी, ठीक है। सॉरी यार, और एक बड़ा सा लूप है, ए बी सी डी ए, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है ये लूप लेना है, ये नहीं लेना है, बड़े आदमी को नहीं लेना, छोटे आदमी को लेके बड़ा बनाना, ठीक है ना। बड़ा आदमी को नहीं लेना, बड़ा आदमी का घमंड होगा, ठीक है ना। बड़ा लूप को नहीं लेना, छोटे छोटे लूप को लेके सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बड़ा लूप को लेंगे सॉल्व करेंगे फिर छोटा लूप का इक्वेशन आ जाएगा, आप वहां पर चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, समझ रहे ना। तो बड़ा लूप नहीं लेना, हमेशा क्या करना है, छोटे छोटे लूप लेके सॉल्व करने, आंसर अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब मैंने ए बी डी ए लूप लिया, इसका मतलब मैं पहले आगरा से बॉम्बे गया, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, मैं पहले आगरा में था फिर घूम फिर के आगरा में आया। तो आगरा से बॉम्बे गया, मैं क्या बोला, सेल सेल का ई एम एफ लेंगे प्लस रेजिस्टेंस कर लेंगे। जब सेल कर लेंगे देखेंगे कौन सा टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल जाते हैं, हाँ कि ना। तो मैं ए से भी जाऊंगा, ए से भी जाऊंगा तो प्लस से माइनस जाऊंगा, तो ई वन को क्या लूंगा, माइनस ई वन, हाँ कि ना। याद रख लो जो साइन कन्वेंशन दिया गया ये पूरा मतलब आपको याद रहना है, ठीक है। प्लस से माइनस जाएंगे माइनस लेंगे, ठीक है। प्लस से माइनस जाएंगे माइनस लेंगे, माइनस से प्लस जाएंगे प्लस लेंगे, ठीक है ना, ये पूरा याद रख लेना। वैसे रजिस्टर का अलोंग फ्लो ऑफ करंट जाएंगे नेगेटिव लेंगे, अगेंस्ट जाएंगे पॉजिटिव लेंगे, याद रख लेना, ठीक है ना। सो देखो ये ए टू बी में एक्सेल था ले लिया, अब ए टू बी में आर टू रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर वन है। जो मैं जा रहा हूं ए टू बी, करंट जा रहा है बी टू ए, अगेंस्ट ना, अगेंस्ट मतलब पॉजिटिव, तो प्लस आई आर टू प्लस आई आर वन, ठीक है। अब देखो फिर मैं बी टू सी आऊंगा, देखो पहले आगरा से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली, जब बॉम्बे से दिल्ली आऊंगा एक सेल है जिसका नेगेटिव से मैं पॉजिटिव आ रहा हूं, बॉम्बे से दिल्ली पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसका मैं लूंगा पॉजिटिव प्लस ई फोर। एंड देखो मैं जब बी टू डी आ रहा हूं, करंट जा रहा है डी टू बी, करंट कितना जा रहा है, आई वन जा रहा है, बट किधर जा रहा है, डी टू बी जा रहा है, तो आई वन इंटू आर फोर है कि ना, तो ये प्लस लेंगे अगेंस्ट जा रहा है, तो प्लस आई वन इंटू आर फोर, ठीक है, आई वन इंटू आर फोर। फिर मैं दिल्ली से आगरा जाऊंगा डी टू ए, जब मैं डी टू ए जाऊंगा आई इंटू आर वन, मैं अगेंस्ट जा रहा हूं ना, करंट आ रहा है ए टू डी, मैं जा रहा हूं डी टू ए, तो आई आर वन, तो प्लस आई आर वन इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं भाई। अब बी सी डी बी का इक्वेशन खुद लिखिए, फिर देखना बी सी डी बी का, पॉज करके खुद लिखिए बी सी डी बी का। देखो बी टू सी जब जाएंगे, बी टू सी जब जाएंगे, ये देखो मेरा प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस, तो इसको माइनस लेंगे, माइनस ई टू, ठीक है, माइनस ई टू। अभी देखो बी टू सी जा रहा हूं, करंट जा रहा है सी टू बी से, ठीक है, करंट जा रहा है सी टू बी, तो मैं क्या लूंगा, आई टू इंटू आर को क्या लूंगा, आर टू को क्या लूंगा, प्लस लूंगा, प्लस आई टू इंटू आर टू, ठीक है, ठीक है। अब मैं सी टू डी जाऊंगा, सी टू डी माइनस से प्लस जा रहा हूं, माइनस से प्लस जाने से क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस ई थ्री, प्लस ई थ्री। सी टू डी जा रहा हूं, एल अगेंस्ट करंट जा रहा हूं, देखो करंट जा रहा है डी टू सी, मैं जा रहा हूं सी टू डी, तो आई टू आर थ्री को क्या लेंगे, पॉजिटिव, आई टू स्मॉल आर थ्री को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस आई टू आर थ्री प्लस आई टू स्मॉल आर थ्री, ठीक है। अब डी टू बी, डी टू बी जाएंगे, डी टू बी, जब मैं डी टू बी जा रहा हूं, जब देखो पहले बॉम्बे से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे जाऊंगा, तो देखो मैं ये सेल का प्लस से माइनस जा रहा हूं, देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो क्या लूंगा, माइनस लूंगा, माइनस ई फोर, हाँ कि ना। जब मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूं, करंट करंट आई वन भी डी टू बी जा रहा है, हाँ कि ना, करंट आई वन भी डी टू बी जा रहा है, तो मैं करंट का अलोंग जा रहा हूं, करंट जिधर जा रहा है मैं भी उधर जा रहा हूं, करंट जा रहा है डी टू बी मैं भी जा रहा हूं डी टू बी, तो आई आर को क्या लूंगा, नेगेटिव, अलोंग करंट नेगेटिव, तो माइनस आई वन आर फोर इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू। समझ रहे भाई, हाँ कि ना, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट तो ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में क्या लेंगे, देखो ए बी सी डी ए में क्या लेंगे। अब देखो
ए टू बी जब जाएंगे सेल है, ये आर टू है आर वन है, तो क्या ले लेंगे ना सेल का प्लस से माइनस, माइनस ई वन अगेंस्ट जा रहे हैं है कि ना, तो प्लस आई आर टू प्लस आई आर वन, बी टू सी जाएंगे प्लस से माइनस, माइनस ई टू अगेंस्ट जा रहे हैं करंट का, करंट जा रहा है सी टू बी तो अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस आई टू आर टू, तो सी टू डी, सी टू डी लेंगे तो प्लस आई टू आर थ्री, आई टू स्मॉल आर थ्री प्लस आई टू आर थ्री प्लस आई टू स्मॉल आर थ्री, ये सेल का प्लस ई थ्री, फिर डी टू ए प्लस आई आर वन इक्वल टू जीरो। आप जब सॉल्व करेंगे कुछ भी न्यूमेरिकल्स, ये बड़े वाले का इक्वेशन को कंसीडर मत करना, छोटे छोटे लूप को कंसीडर करके फास्ट लॉ अप्लाई करके, फास्ट लॉ अप्लाई करेंगे छोटे छोटे लूप में, सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, फिर ये सभी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको जितना इक्वेशंस, देखो जितना वेरिएबल्स पूछे होंगे क्वेश्चन में उतना इक्वेशंस आपको जरूरी है। आप इक्वेशंस कैसे लाएंगे, बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ, बाय अप्लाइंग सेकेंड लॉ, टू द स्मॉलेस्ट, टू द स्मॉल क्लोज लूप्स, जो छोटे छोटे क्लोज लूप होंगे उनमें अप्लाई करना, हमेशा याद रखिए ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मेरे को याद रहना है। अब लास्ट चीज हम देखेंगे, ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले। देखो बहुत सिंपल है रे भाई, करेंगे क्या, किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। देखो लेट ऐसे दिया है मुझे, ये ए पॉइंट है, यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक सेल है, ठीक है, यहां पे और एक सेल है, यहां पे और एक रजिस्टर है, ये मेरा पॉइंट है बी। लेट इसमें दिया करंट आई, ऐसे दिया होगा आपको, दिया होगा वो सब चीजें, बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, ऐसे पूछा होगा। आपका काम क्या है, देखिए आपको जो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा, लेट अभी एक ए एंड बी के बीच पूछा है, लेट ए एंड बी के बीच फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है, लेट, तो मेरा काम है ए में पोटेंशियल वी ए लेना है, बी में पोटेंशियल वी वी लेना है, मुझे नहीं पता मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, ठीक है, मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो मैं क्या करूंगा, लेट ये मेरा ई वन है, ये मेरा ई टू है, ये मेरा आर वन स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू आर टू, ऐसा है, इसमें करंट जा रहा है आई। आप क्या करिए, ए बी में से एक इनिशियल पॉइंट चूज कीजिए, एक फाइनल पॉइंट चूज कीजिए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ए एंड बी में से एक इनिशियल पॉइंट चूज कीजिए और एक फाइनल पॉइंट चूज कीजिए, आप पे डिपेंड करता है, आप चूज कीजिए, आपका मर्जी जो करना कीजिए। मैंने चूज किया ए को, मैंने चूज किया ए को इनिशियल पॉइंट, तो वी ए, फाइनल पॉइंट मेरा बी, फाइनल पॉइंट मैंने लिया बी को, तो मेरा बी बी। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखा इक्वल टू फाइनल पॉइंट का लिखा, बीच में क्या करूंगा, बीच में जो है उनमें किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा, समझ रहे, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूंगा, बात समझ रहे, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मुझे जो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा उनमें से एक इनिशियल पॉइंट लेना है, एक फाइनल पॉइंट लेना है, पहले उनका, लेट ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए लिया, बी का वी बी लिया, तो ए को इनिशियल पॉइंट लिया वी ए, तो बी को लिया वी बी, खत्म। आप बोलोगे सर मैं बी को इनिशियल लूंगा, बी को इनिशियल लूंगा, ए को फाइनल लूंगा, अरे लो रे, मैं कब मना किया आपको, मैं बोला आपका मर्जी, आप जिसको इनिशियल लेना है लो, जिसको फाइनल लेना है लो, तो मैंने ए को लिया बी को लिया, ये वाला पहले देख लेंगे फिर इसको देखेंगे, आंसर सेम आएगा। तो क्या होगा,
अब देखो, जब मैं आपको बोला किरचॉफ लॉ के हिसाब से हम जब एक अलोंग करंट जाएंगे आईआर को नेगेटिव लेंगे, अगेंस्ट करंट जाने से आईआर को पॉजिटिव लेंगे, है कि ना? सॉरी यार। तो देखो, मैं जब ए टू बी जा रहा हूं, करंट भी देखो ए टू बी जा रहा है कि ना, करंट भी जा रहा है ए टू बी, है कि ना? तो मैं जब ए टू बी जा रहा हूं, करंट भी ए टू बी, देखो मैं पहले इनिशियल पॉइंट ए को लिया, इनिशियल पॉइंट ए को लिया, फाइनल पॉइंट बी को लिया, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखा इक्वल टू फाइनल, इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू फाइनल पॉइंट लिखना, बीच में किरचॉफ लॉ अप्लाई करना। देखो कैसे, मैं जब ए टू बी गया, देखो ये आर वन है, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर टू है, ये सेल है, ये सेल है, तो हम सेल का पोटेंशियल क्या लेते हैं, जब हम प्लस से माइनस जाते हैं माइनस लेते हैं, माइनस से प्लस जाने से प्लस लेते हैं, है कि ना? तो देखो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो इसको क्या लूंगा, क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूं ना, तो ए से जब बी जाऊंगा पहले प्लस को क्रॉस करके माइनस जाऊंगा, ई वन का, ई टू का, माइनस से क्रॉस, माइनस को जाके फिर प्लस को जाऊंगा, तो मैंने इसको क्या लेना है, प्लस से माइनस, माइनस माइनस से प्लस, प्लस, तो माइनस ई वन प्लस ई टू को, समझ रहे? अब यहां पे फिर देखो ये, अब यहां पे फिर क्या होगा, दिस आई आर वन, देखो मैं अलोंग करंट जा रहा हूं ना, अलोंग करंट जा रहा हूं, तो ये आई आर वन को क्या लूंगा, नेगेटिव माइनस आई आर वन, यहां पे आई आर वन को क्या लूंगा, माइनस आई आर वन, यहां पे आई आर टू को क्या लूंगा, माइनस आई आर टू, अलोंग करंट नेगेटिव, यहां पे आई आर टू को क्या लूंगा ना, माइनस आई कैपिटल आर टू, तो मेरा वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, ये वी बी को उधर ले और बाकी सब उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा ना, प्लस ई वन माइनस ई टू, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस 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 माइनस, तो सब प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई आर वन प्लस आई आर वन प्लस आई स्मॉल आर टू प्लस आई कैपिटल आर टू, आंसर, समझ रहे? आंसर हो गया, आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर मैं बी से ए जाता, अरे जाओ आपका मर्जी, तो इनिशियल बी बी, इनिशियल पॉइंट कौन है मेरा बी बी, फाइनल पॉइंट कौन है बी ए, ठीक है ना? अब देखो क्या हो जाएगा, जब मैं बी टू ए जाऊंगा, मैं अगेंस्ट जा रहा हूं ना, करंट का अगेंस्ट जा रहा हूं, है कि ना, करंट का अगेंस्ट मतलब प्लस, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, है कि ना, तो प्लस आई आर टू प्लस आई स्मॉल आर टू प्लस आई आर वन प्लस आई स्मॉल आर वन, है ना? ये मैंने ले लिया रेजिस्टेंस का। सेल का क्या लूंगा, देखो मैं जब बी टू ए जा रहा हूं, प्लस से माइनस ई टू का, माइनस से प्लस ई वन का, तो प्लस से माइनस जाने से माइनस, माइनस से प्लस जाने से प्लस। अब आपको वी ए माइनस वी बी चाहिए, ये वी बी को उधर ले लो, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वी बी उधर चला गया, अरे माइनस हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी चाहिए ना आपको, हांगे ना, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, आई आर टू प्लस आई स्मॉल आर टू प्लस आई स्मॉल आर वन प्लस आई कैपिटल आर वन माइनस ई टू प्लस ई वन, ये आंसर है, ठीक है, समझ रहे भाई? तो ऐसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको अगर यहां पे भी पूछेगा, बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी निकालिए, ए एंड बी निकालिए, निकाल सकते हैं। देखो ये मैंने ले लिया वी ए, ये ले लिया वी बी, ठीक है, ये ले लिया वी ए, ये ले लिया वी बी, ठीक है, ये वी ए ले लिया, वी बी ले लिया, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट लेंगे, ये फाइनल पॉइंट लेंगे, लेट, तो इनिशियल पॉइंट लिखा मैंने, फाइनल पॉइंट लिखा मैंने, ठीक है, बी बी इक्वल कर देना, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिस्टेंस इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। अब बताइए ए टू बी के अंदर जो है उसमें किरचॉफ लॉ यूज कीजिए, ए टू बी के अंदर जो है उसमें किरचॉफ लॉ यूज कीजिए, तो ए टू बी में क्या क्या है, आर टू है, ये स्मॉल आर वन है एंड ये ई वन है, तो जब मैं ए टू बी जाऊंगा, ए इनिशियल है, ए टू बी जाऊंगा, ये सेल का प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस ई वन, मैं करंट का अगेंस्ट जा रहा हूं तो आई आर टू प्लस आई आर वन प्लस,
प्लस आई आर टू प्लस आई आर वन, समझ रहे भाई। तो बी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा ना, ई वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर वन। तो ऐसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए गिवन सर्किट, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें याद रखना है भाई, ठीक है ना, कि कैसे किरचॉफ्स लॉ यूज करके कर किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।